This conference will now be recorded. मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अभी, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है क्या? आप सब चलो परफेक्ट, स्टार्ट कर। तो कल हमने लिनक्स सर्वर बनाया और उसको कनेक्ट करके ट्राई किया था, राइट? आई होप सभी लोग क्लियर हैं कि कैसे आप एक सर्वर बनाओगे और उसको कनेक्ट करोगे। अब आज हम लोग देखेंगे उस पर एक सैंपल वेबसाइट होस्ट करके, ठीक है? अगर नॉर्मली अगर आप कंपनी में जाओगे ना, तो हर कंपनी में सर्वर्स क्यों चाहिए होते हैं? उनका कोई पर्पस होता है। हर सर्वर का कोई पर्पस होता है, उस पर नॉर्मली कोई ना कोई एप्लीकेशन होस्टेड होती है जो किसी जो कंपनी का कुछ कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। वो क्या होता है, या तो वो कोई वेबसाइट होस्ट कर रही होती है या कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रही होती है ना, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कोई होस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो वहां पे सर्वर्स पे कुछ ना कुछ होस्टिंग होगा, तो स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं कि हमें क्या करना होता है। अगर मान लो वेबसाइट है तो हमें उसका पोर्ट ओपन करना होगा। नीड टू ओपन वेब और एप्लीकेशन पोर्ट इनटू इनटू सिक्योरिटी। और क्या होगा, बस ठीक है, इतना ही है। आज हम लोग EC2 प्राइसिंग मॉडल की भी बात करेंगे। EC2 प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं, तो ये हो गया प्राइसिंग मॉडल। बात करेंगे तो ये कल एक सर्वर बनाया था हमने, इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, कल के लिए थोड़ा श्योरिटी नहीं है क्लास का, क्योंकि मुझे ना कल आज रात को जागना है, तो शायद मुश्किल हो जाए। मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा जैसा भी रहेगा, ठीक है? मैंने सर्वर कनेक्ट कर लिया। फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँ, ठीक है? तो सर्वर कनेक्ट हो गया। अब देखो, किसी भी सर्वर को कनेक्ट करने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होगा कभी भी, ठीक है, वो क्या होगा, उसको अपडेट करना होगा, ठीक है? तो मैं ये अपडेट करके किसी भी सर्वर को अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर उबंटू होगा तो ये कमांड मेरी क्या हो जाएगी, सॉरी, ये कमांड मेरी हो जाएगी, अपडेट, ठीक है? ये रेड हैट में है, तो ये क्या है, नेम अपडेट। अगर ये उबंटू होगा मेरी कमांड हो जाएगी एप्ट अपडेट, ठीक है? ये क्या करेगा, इट इज सिमिलर टू लाइक विंडोज अपडेट, जैसे हम करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अपडेट प्रोवाइड कर देगा। तो
जो भी डिपॉजिटरीज यहाँ पर हैं उनको अपडेट कर देगा। इससे फायदा क्या होगा, सॉरी, तो आप देखो जो एरर मैसेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, द सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, एंड दिस कमांड हैज टू बी रन विद सुपर यूजर, सुपर यूजर प्रिविलेज, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, परमिशन नहीं है क्योंकि अभी हम EC2 यूजर से लॉग इन है, ठीक है, तो परमिशन नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो आप स्विच कर जाओ रूट यूजर से, ठीक है, या तो आप स्विच कर जाओ रूट यूजर से, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, sudo hyphen i, या आप इस कमांड से पहले sudo लिख दो, तो ये इसको एज ए sudo ट्रीट करेगा, ठीक है, एज ए सुपर यूजर ट्रीट करेगा या एज ए रूट यूजर ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं sudo em अपडेट करता हूँ तो मैं उसके बाद अपडेट को रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अभी इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और उसके बाद जो भी अपडेट्स होंगे उसको ये इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं हाइफन वाई लगा देता हूँ तो अगर कोई कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो उसको ये यस भी कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली। अब मुझे क्या क्या है उसने बताया, देखो 300 MB के डाउन अपडेट्स अवेलेबल है, ठीक है, और उसने पैकेज की लिस्ट भी दे दी, कि ये पैकेज है इनको अपडेट करना है, ठीक है। तो इन सबका साइज भी बता दिया कि इन सबका साइज जो अपडेट्स का है वो कितना है, ठीक है। तो ये अपडेट्स अवेलेबल है और डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, तो मुझे यहाँ पे यस करना है। अगर मैं यहाँ पे हाइफन वाई लगा देता तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता, फिर ये आपसे प्रॉम्प्ट नहीं करता। ठीक है, तो कहीं भी हमें अगर ऑटोमेटिक करना है तो हम क्या करते हैं, हाइफन आई वाई को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपडेट चलना स्टार्ट हो गया। अब देखो यम जो है, यम क्या है, इंस्टॉलेशन पैकेज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, तो मैं URL को ब्राउजर में ओपन करता हूं, बायर्स IP या DNS नेम, तो अभी कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, राइट, अभी देखो तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। रीजन बीइंग, क्योंकि इस पे कोई वेबसाइट तो होस्टेड है ही नहीं ना, ये तो सिंपल एक प्लेन लिनक्स सर्वर है, ठीक है, तो इस पे कुछ भी होस्टेड नहीं है। अगर मैं कुछ होस्ट करना चाहता हूँ इस पे, तो उसके लिए क्या होगा, एक वेबसाइट टीम होगी, एक वेब डेवलपमेंट टीम होगी जो आपके लिए एक वेबसाइट रेडी करेगी और उस कंटेंट को आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो वो नॉर्मली कंटेंट जो होता है वो वेबसाइट का कंटेंट रेडी करके आपको दे देगी, और यहाँ पर इन लिनक्स सर्वर आपको क्या चाहिए, लिनक्स या विंडोज में भी सेम ही कंसेप्ट रहता है, आपको चाहिए एक वेब सर्वर, लिनक्स और विंडोज वी नीड वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर एस अपाचे, ठीक है, IIS होता है विंडोज के लिए, अपाचे अपाचे विंडोज के लिए भी आता है, IIS के तो उसके लिए भी आता है, लिनक्स के लिए भी आता है, IIS हो गया, ठीक है। एंजिनिक्स एक बड़ा पॉपुलर है, एंजिनिक्स आता है, एंजिनिक्स फास्ट है कंपेयर टू अपाचे, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा एक वेब सर्वर चाहिए, ठीक है। तो वेब सर्वर चाहिए, उस वेब सर्वर के अंदर एक फोल्डर होता है, एक फोल्डर होता है, वेब सर्वर ये लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, मतलब हर उसमें एक डिफरेंट लोकेशन पर होगा, /web/www/html, ठीक है, ये अपाचे का बता रहा हूँ,
बाकी में लोकेशन हो सकता है अलग, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट रख देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम अपनी बात करेंगे तो वी आर नॉट डेवलपर, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सैंपल पेज बना सकते हैं इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अपना वेबसाइट का कुछ टेम्पररी कंटेंट हम जो रखना चाहते हैं वो रख देंगे। वहां पर क्या होता है, वहां पे भी इंडेक्स डॉट एस टी एम एल या कोई मेन प्राइमरी पेज होगा, और वो पेज पे जो लिंक होंगे वो बाकी दूसरे पेजेस से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो और भी पेजेस होंगे वहां पे और इमेजेस वगैरह होंगी, तो वो उन पेजेस से कनेक्ट होंगे और वो अपने आप ही अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ठीक है इस लिंक पे जाना है तो मैं दूसरे पेज पे ओपन कर देगा, लेकिन वहां पे भी एक प्राइमरी पेज होगा जैसे ही इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, ठीक है। और वो जिस भी लैंग्वेज में बना रखा है वहां पे कोडिंग वगैरह कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक वेब सर्वर चाहिए। अब बात आ गई कि हमें हमें क्या करना है, तो हमें चाहिए एक वेब सर्वर। तो वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो क्या है, यम इंस्टॉल, ठीक है, यम इंस्टॉल, और जो सॉफ्टवेयर नेम है, तो सॉफ्टवेयर नेम है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए अपाचे। तो अपाचे के लिए रहता है एस टी टी पी डी, अपाचे के लिए रहता है एस टी टी पी डी। अगर यही उसमें होगा, उबंटू में होगा, और देखो उबंटू में इसलिए थोड़ा सा चल रहा हूँ लेके, क्योंकि वो भी एक काफी प्रॉपर फ्लेवर है, ठीक है। तो ये भी कई बार यूज होता है, तो वहां पे आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा, की जगह जस्ट एप्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर का नाम है वहां पे वो रहेगा, तो वहां पे शायद अपाचे 2 है, ठीक है। तो आपको जस्ट सॉफ्टवेयर का नाम देना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? यस नो मे बी, अच्छा फिर भी आ गए, चलो गुड। क्लियर रहा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा टाइम मिला है, इसलिए मैं ये टाइम सेव करने के लिए अमेजन लिनक्स मशीन यूज करता हूँ, क्योंकि तो वहां पे ये जो अपडेट्स हैं ये ऑलरेडी रिपोजिटरीज हैं, ये ऑलरेडी अपडेटेड होती है, ठीक है। क्योंकि जो उसकी ए एम आई है, जो बैकएंड में जो उसकी ए एम आई है अमेजन लाइनेक्स की, उसको ए डब्ल्यू एस ऑलरेडी अपडेट करता रहता है, ठीक है। तो जो आपके पास इमेज आती है वो कस्टमाइज आती है, और उसमें ऑलरेडी अपडेट्स अवेलेबल रहते हैं, तो हमारा ये जो टाइम है वो सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये एक हमको फायदा होता है, ठीक है। तो अभी आप देखो हमारा रेड हैट की जो मशीन है वो इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, और सारे अपडेट्स पैच अपडेट हो गए। मैंने बोला मुझे क्या करना है, वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, तो मैंने बोला यम इंस्टॉल अपाचे, सॉरी एस टी डी पी डी, ठीक है। तो यम इंस्टॉल एस टी डी पी डी किया तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रूट से स्विच कर जाता हूँ। अभी मैंने रूट से स्विच कर लिया, ठीक है। अभी अपनी वही सेम कमांड फॉलो करी है, ठीक है। मैंने अपडेट किया, उसके बाद मैंने रूट से स्विच कर लिया। अब इट बिकम है सुपर यूजर, रूट यूजर, ठीक है। अब मैंने दोबारा कमांड चलाई है, यम इंस्टॉल एचटीटीपी डी, एंटर किया, उसने दिया मैसेज, मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पे अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आप देखते हैं क्या हुआ, तो अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी भी नहीं है। तो अब एक पर्पस वाइज हम देखते हैं कि अगर मुझे सपोज करो ये इश्यू आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखो सर्वर पे अगर मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम एक कमांड यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कर्ल कमांड।
ठीक है, मैं तुम्हारा बेसिक थोड़ा थोड़ा क्लियर करता जा रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन आप कल कमांड यूज करके अपना आउटपुट चेक कर सकते हो। तो अगर मैं देखता हूँ कि इस वेबसाइट पे कुछ आउटपुट आ रहा है क्या, तो आप देखो यहाँ पे फेल्ड है, ठीक है, तो कोई आउटपुट नहीं है अभी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे इंस्टांस में, और इसमें आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में अगर आप पोर्ट देखोगे अपने, तो 22 पोर्ट ओपन है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और है। अब आपने यहाँ पे इंस्टॉल तो कर दिया, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको वो सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है, वहां पे स्टार्ट करना पड़ता है सर्विस को। HTTPD की सर्विस आपकी इंस्टॉल तो हो गई, लेकिन इसको आपको इंस्टॉल स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, ठीक है। उससे पहले चेक करते हैं स्टेटस, ठीक है। सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, सिंटेक्स कभी कभी थोड़ा सा इधर हो जाता है। अभी आप स्टेटस देख रहे हो तो क्या आ रहा है, इनएक्टिव दिख रहा है। स्टेटस क्या है, इनएक्टिव। अभी ये सर्विस एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा स्टार्ट, ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सर्विस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब स्टेटस चेक करते हैं, अभी स्टेटस क्या हो गया है, एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सर्विस अभी स्टार्ट हो गई है। अभी देखते हैं, कुछ नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी 84 सिक्योरिटी में अलाउ नहीं कर रखा। तो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, बाय डिफॉल्ट किस पर जा रही है, 80 पर, ठीक है। तो 80 पर ये रिक्वेस्ट जा रही है, और यहाँ पे हमने अलाउ नहीं किया हुआ है, तो कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वेबसाइट पे क्या स्टेटस है, वेबसाइट पे रिस्पॉन्स आ रहा है, वेब सर्वर पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने कल कमांड यूज किया तो मैं चेक कर पा रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर कुछ कंटेंट है। कंटेंट का फॉर्मेट क्या है वो उसको भूल जाना अभी, क्योंकि यहाँ पे तो ये उन्होंने फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बट इसके अंदर कुछ कंटेंट है, ठीक है। क्या कंटेंट है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। दिस पेज इज यूज टू टेस्ट द प्रॉपर ऑपरेशन, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट में इंस्टॉल हो गया है अपाचे, और अब रिस्पॉन्स भी आ रहा है क्योंकि वेब सर्वर की सर्विस हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंस्टांस में जाते हैं, यहाँ पे आउटबाउंड इनबाउंड रूल अगर आप देखते हो तो सिर्फ 22 पोर्ट ओपन है। तो वेब सर्विस तो चल रही है 80 पोर्ट पे, लेकिन हम इसको काम नहीं कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ SSH पोर्ट ओपन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इनबाउंड पोर्ट ओपन करूंगा, ठीक है। इनबाउंड पोर्ट ओपन करने के लिए मुझे क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप पर जाऊंगा, एडिट इनबाउंड रूल करूंगा, एड रूल करूंगा, एंड HTTP ट्रैफिक को अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो HTTP ट्रैफिक को चूज किया हमने, और कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता है ना, सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकता है। तो मैं एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है, और सेव चेंजेस। अगर HTTPS होती वेबसाइट तो क्या करोगे, HTTPS पोर्ट को ओपन करोगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट क्या है, अभी नॉर्मल HTTP वेबसाइट है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। अभी मैंने अगर इसको रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, जो कंटेंट हम देख रहे थे वो कंटेंट यही आ गया, क्योंकि यही आ रहा था ना, ये एडिंग आ गई और ये पेज आ गया, टेस्ट पेज आ गया। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
यस नो मे बी। प्रशांत क्लियर तो है, अगर नो क्विकली अगर 2 मिनट में मतलब अपना, बिकॉज हम थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग में भी चले जाते हैं मतलब, तो एक बार क्विकली रिकैप हो जाए ना स्टेप्स तो वो बेटर रहेगा मतलब, अब कंटिन्यूशन में व्हेन यू फिनिश और उसके बाद एक बार कंटिन्यूशन में 2 मिनट के लिए कि उसको रिकैप आपको ठीक है तो समझो। लेकिन अभी इतना क्लियर हो गया कि हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है और उस पर सर्विस ये स्टार्ट करके चेक करना है कि भी टेस्ट पेज आ गया राइट। रीकैप कर लेंगे सफिशिएंट है ना, वो कोई इशू नहीं है ठीक है। ये कमांड्स भी वैसे भी मैं उसी में फॉलो करूंगा ठीक है। तो ये आपने दिया कल और यहाँ पे हमें प्राइस डाल देंगे डीएनएस नहीं डाल देंगे ठीक है। कल सर्वर आईपी और सर्वर डीएनएस। लेकिन देखो एक चीज क्लियर है, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इश्यू आएंगे ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना, वीक में नहीं कर पा रहे हो तो वीकेंड में करना, वीकेंड कल जरूर लेना, आगे चीजें टफ होती जाएंगी। चलो तो मैं स्टार्ट कर दिया है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या होता है, एक रूट डायरेक्टरी हुई सीडी स्पेस स्लैश, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मैं अपनी फाइल देख लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि देखो एक रूट पाथ है, यहाँ पे रूट पाथ है ना बाय WWHTML। इस पाथ के अंदर आप अपना कोई भी कस्टमाइजेशन वेबसाइट रख सकते हो ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कस्टमाइज पेज रख देता हूँ cd/where की। देखो एक डायरेक्टरी यहाँ पे वेर की डायरेक्टरी ठीक है, रूट के अंदर वेर। तो मैं सेम पाथ फॉलो करो cd/where। मैं क्या यहाँ पे ls किया, वेर के अंदर एक फोल्डर है www ठीक है। तो मैं www में गया, पाथ यही था ना वेर www html। पर मैंने एलएस किया तो देखो कि यहाँ पे एचटीएमएल की डायरेक्टरी है, तो मैं एचटीएमएल पे गया। या आप ऐसे भी जा सकते हो cd/where/www/html ठीक है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, डायरेक्ट पाथ भी लिख सकते हो। जस्ट टू शो यू मैं एक एक करके गया हूँ ठीक है। एलएस किया मैंने तो देखो यहाँ पे खाली है, कोई भी फाइल नहीं बनी, कोई भी फाइल नहीं बनी ठीक है। तो क्या करें, अगर हमें अपना वेबसाइट चाहिए तो हमें अपना कंटेंट डिफरेंट करना पड़ेगा, तो ये पेज तो नहीं चाहिए हमें। तो मैं क्या करता हूँ एक बना लेता हूँ। तो फाइल के लिए या तो टच कर दो और टच करके बाद एडिट कर दो, या वीआई से भी फाइल बना सकता हूँ। तो मैं vi_index.html कर दूँगा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया vi_index.html, मैं अपना एक पेज रेडी कर ठीक है आई किया। अब इस पे आप कुछ भी अपना कंटेंट लिख सकते हो, एक छोटा सा फॉर्मेट रहता है लाइक H1 करोगे तो वो हेडिंग का साइज थोड़ा बड़ा आ जाएगा, जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा आ जाता है ठीक है। तो वेलकम टू फर्स्ट वेब सर्वर, ऐसा अगर लिखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। आप सिंपल चाहो तो कंटेंट भी टाइप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं ठीक है। तो उसके बाद वीआई करने के बाद देखो क्या करना होता है, आई करना होता है आई फॉर इंसर्ट ठीक है। मैंने यहाँ पे आई फॉर इंसर्ट किया ठीक है। उसके बाद जब आप अपना काम कर लो तो उसके बाद होता है एस्केप करना, फिर कॉलन करना, फिर डब्ल्यू करना, डब्ल्यू फॉर सेव, क्यू फॉर क्विट ठीक है। ये चार ऑप्शंस आपको करने पड़ेंगे जब आप अपना फाइल का कंटेंट टाइप कर लो। तो वीआई एडिटर में आ गया, अब इसके बाद आप कुछ और नया लिख सकते हो ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन लगाते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ लिख दो जैसे वी आर
ग्रेटिंग राइट, यहाँ पे अपना एक्सक्लूडिंग जो क्लोज करने के लिए स्लैश लगा दी, ठीक है। फिर स्लैश एक्सक्लूड जो मैंने लगाया था ये नहीं लगता स्टार्टिंग में, सिर्फ हेडिंग आती है, क्लोज करने के लिए स्लैश एक्सक्लूड, ठीक है जी। इसको एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू करके मैंने सेव कर दिया, अभी मेरी फाइल सेव होगी, ठीक है। अगर मुझे फाइल का कंटेंट देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैट और फाइल का नाम, कैट और फाइल का नाम, मैं यहाँ पे अब फाइल का कंटेंट भी चेक करता हूँ, ठीक है। कैट फाइल नेम टू सी द कंटेंट ऑफ ए फाइल, ठीक है। एंड यहाँ इंस्टॉल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, to start to check status of ठीक है जी। आ गया, क्योंकि मैं तो अच्छा डेवलपर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई आप अच्छी सी वेबसाइट बनाओ या किसी से बनवाओ, आप कंटेंट रख सकते हो और एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट बना के अपने वेब सर्वर पे होस्ट कर सकते हो। तो अभी हम इस कंडीशन में हो गए कि मैं अपने AWS सर्वर पर चाहूं तो अपनी प्रॉपर एक वेबसाइट होस्ट कर सकता हूं, क्लियर है। तो ऐसा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर एंड वेबसाइट। अभी मेरी वेबसाइट चलना शुरू हो गई है और जो भी आप कंटेंट चेंज करना चाहो इस पे कर सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे कि हमारी सैंपल वेबसाइट है, ठीक है। तो जो आगे की कंसेप्ट है वो हम इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब इसी के साथ में एक नया कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी तक जो आपने किया, तो इसमें अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे एक डुप्लीकेट सर्वर चाहिए, ठीक है, मुझे एक डुप्लीकेट सर्वर चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आप एक डुप्लीकेट सर्वर बना सकते हो? We can create a template. मुझे एक ऐसा ही वेब सर्वर और चाहिए। प्रशांत, हम लोग इस मशीन की AMI क्रिएट कर सकते हैं एंड लेटर उस AMI से न्यू मशीन लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप तो मतलब जो नॉर्मली स्टेप थे, तो मेरे क्या स्टेप होता, अगर मैं बाय डिफॉल्ट अगर मुझे एक डुप्लीकेट सर्वर क्रिएट करना है एंड अगर मुझे AMI का नॉलेज नहीं है, तो मैं अगेन दोबारा एक सर्वर लॉन्च करता, मैं एक दोबारा सर्वर लॉन्च करता और फिर ये सारी कमांड दोबारा चलाता, राइट है। ये सारी कमांड मुझे दोबारा चलानी पड़ती है, ऐसे ही करना पड़ता ना जी। तो हाँ जी, हाँ जी। अगर अगर मैं ये सारी कमांड को दोबारा चलाता तो मेरी मेहनत दोबारा लग रही है, राइट। और जितने भी एफर्ट्स हमारे दोबारा आ रहे हैं, अब जो एफर्ट दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये तो सपोज करो 10 स्टेप है। अभी अगर जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है, जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो इट विल बी रिप्लेस बाय 50 स्टेप्स, ठीक है, कि भाई उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, उसका IP ये होना चाहिए, उसकी सेटिंग्स ये होनी चाहिए, ये सब चीजें करके वहां पे 50 स्टेप्स हो जाता, ठीक है। तो अगर आप वो 50 हर सर्वर पे करोगे, जैसे डुप्लीकेट सर्वर चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका ज्यादा एफर्ट लग जाता है। तो यहाँ पे ग्रेट है पवन भाई कि आपने ये इंस्टॉल किया, ठीक है। अगर आप AMI का कंसेप्ट यूज करते हो तो AMI से आपको काफी फायदा हो जाएगा। तो AMI क्या करेगा, हमारा टाइम सेव कर देगा, मुझे इसकी डुप्लीकेट सर्वर के मैं इसको एक AMI बना सकता हूँ यहाँ पे। तो AMI का कंसेप्ट आया, और AMI के कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, Amazon Machine Image, ठीक है। सेम काम आप वहां पर भी करते हो, किसी और क्लाउड में भी जाओगे, मान लो Azure में जाते हो या कहीं और जाते हो,
वहां भी आप सेम कस्टमाइज इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और फंडे देखो सेम रहेंगे, किसी भी क्लाउड में चले जाना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंडे सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सर्वर के लिए मैं एक इमेज क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्शन में जाते हैं, एक्शन में जाने के बाद इमेज, और इमेज में जाने के बाद क्रिएट इमेज। लेकिन उससे पहले मुझे एक और स्टेप यहाँ पे करना होगा। क्या करना होगा, मुझे एक और कमांड लिखनी है यहाँ पे, जिसको बोलेंगे हम CTL enable HTTP, ठीक है, ensure that when my server at reboot start HTTPD service automatically, ठीक है। आई थिंक ये एक्सप्लेन हो गया होगा कि अगर मेरा सर्वर रीबूट होगा ना अभी इस कंडीशन में, तो क्या होगा, मेरा सर्वर की HTTPD सर्विस बंद हो जाएगी, मतलब मेरी वेबसाइट फिर से बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट टू इंश्योर कि ये सर्विस ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है, अपने आप ही चले, जैसे हम विंडोज में अगर आपने देखा होगा तो सर्विसेज को ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाए तो मुझे उसके लिए इनेबल कमांड को यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे HTTPD को एनेबल कर दिया है, तो अब यहाँ पे जब सर्वर रीबूट होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कमांड भी यहाँ पर चला देता, नहीं तो क्या होगा कि अगर मैं EMI भी बना दूंगा तो जब EMI नया सर्वर को रीबूट करेगी, नया सर्वर को स्टार्ट करेगी, तो वहां पे वो सर्विस ऑटोमेटिकली डिसेबल होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरी वेब सर्वर चलेगा नहीं, और फिर मुझे सर्वर में जा जाके वो सर्विस को एनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने ये एनेबल किया है, और ये देखो ये रिडायरेक्टेड हो गई है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी सर्वर रीबूट होगा तब भी सर्विस चलेगी, ठीक है, डन है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्वर को इमेज क्रिएट करते हैं। तो इमेज क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, ये इमेज सर्वर नीड टू गो एक्शंस इमेज इमेजेस एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इमेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्रिएट इमेज पे क्लिक किया, इमेज से बोलेगा कि क्या इमेज का नाम देना है। आप मैंने बोला वेब सर्वर AMI, ठीक है, वेब सर्वर AMI। देखो इसने सारी सेटिंग्स ना बाय डिफॉल्ट उठा ली, मतलब दो स्टोरेज लगी थी वहां पे तो उसने दिखा दिया वो दोनों स्टोरेज आपकी आ गई, ठीक है। नो रीबूट कर दिया, मतलब जो सोर्स सर्वर है वो आपका रीबूट नहीं होगा, अदरवाइज क्या होता है कि वो जो सोर्स सर्वर है वो आपका रीबूट हो जाता है। मैंने इसको नो रीबूट कर दिया। आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप रीबूट कर सकते हो तो उसमें अच्छी बात है, क्योंकि वो रीबूट होने पे आपका जो इमेज बनेगा वो इंश्योर करेगा कि वो प्रॉपर कंप्लीट हो गया। इसमें कभी कभी कुछ डेटा मिस होने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक इमेज क्रिएट कर दी, वेब सर्वर AMI नाम दे दिया, नो रीबूट बोल दिया, डिस्क उसने अपने आप उठा ली, ठीक है। टैग्स जो भी थे वो अपने आप इसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, AMI के लिए अगर आप कुछ ऐड टैग करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो मैंने अभी कुछ टैग ऐड नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट इमेज करूँ, कहता है दिस AMI नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हो सकता है मेरे पास कोई हो फर्स्ट वेब सर्वर। तो मेरी यहाँ पे AMI बनना स्टार्ट हो गया। AMI में गिर जाऊंगा अगर मैं, तो मेरा एक AMI बनना शुरू हो गया। तो पहले से एक AMI वहां पे था, तो इस AMI को मैं हटा देता हूँ। AMI हटाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक्शंस में जाऊंगा, और यहाँ पे डी रजिस्टर का ऑप्शन होता है। AMI हटाने के लिए डिलीट का ऑप्शन नहीं होता, डी रजिस्टर का ऑप्शन होता है, ठीक है। और इसी AMI को यूज करके मैं एक नया सर्वर भी लॉन्च कर सकता हूँ। तो मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा, तो
तो मेरे पास वो कंसोल आ जाएगा जिसके थ्रू आप सर्वर रेडी कर सकते। ठीक है, तो इस AMI से मैं एक डुप्लीकेट सर्वर इजीली रेडी कर सकता हूँ। और इस AMI को मेरे ख्याल से एक बीच में बात आई थी कि डुप्लीकेट सर्वर अगर हमें क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैं इस AMI को कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी AMI, ठीक है, कॉपी कर सकता हूँ किसी दूसरे रीजन में। अगर मैं एक डुप्लीकेट सर्वर सपोज करो मुंबई रीजन में बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको मुंबई में कॉपी कर दूंगा, मुंबई में कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो जो आपके लिए आज एक असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, एक वेब सर्वर क्रिएट करना है। ठीक एंड क्रिएट डुप्लीकेट सर्वर इन, तो आप ना एक इसको नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट करना, क्रिएट ए वेब सर्वर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। एंड देन क्रिएट ए डुप्लीकेट सर्वर इन मुंबई रीजन, ठीक है, यूजिंग AMI। असाइनमेंट है, एक सर्वर बना दो और उसका एक डुप्लीकेट सर्वर मुंबई में बना दो, बट आपको जो एक कंसेप्ट यूज करना है वो AMI का करना है, तो कॉपी करना है दूसरे रीजन में, कॉपी करोगे तो एक कॉपी AMI हो जाएगा। ठीक है, कॉपी AMI करोगे तो वहां पे आपको आप मुंबई के रीजन में AMI दिख जाएगी। मुंबई रीजन में जैसे आप AMI पे जाओगे वहां पे आपको AMI वहां पर दिख जाएगी, और बस उस AMI को सेलेक्ट करके लॉन्च कर देना सर्वर, तो लॉन्च हो जाएगा। सेम इंस्टेंस बन जाएगा उस जैसा ही उस दूसरे रीजन में। सेम सेम बिल्कुल, अगर हम देखेंगे ना प्रैक्टिकली, जैसे अभी मैं सर्वर बना रहा हूँ तो मैं इसको तो पहले वेब सर्वर AMI को कर देता हूँ डीरजिस्टर, हटा देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक ही AMI है, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास AMI बन गई और वो रेडी हो गई है, राइट। तो हम बात कर रहे थे डुप्लीकेट सर्वर्स की, तो अब मुझे सपोज करो जरूरत पड़ी EC2 के अंदर एक और सर्वर की ऐसे ही, तो मैं क्या करूंगा, यहां से सिलेक्ट करूंगा सर्वर को, एक्शन में जाऊंगा, लॉन्च कर दूंगा। लॉन्च करने के बाद अगेन T2.micro चाहिए मुझे, मैं T2.micro ले लूंगा, फ्री टायर में अवेलेबल है, बाकी के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ चलते हैं। नेक्स्ट, देखो दोनों वॉल्यूम अपने आप आ गए, उस सर्वर में दो वॉल्यूम लगे थे, दो वॉल्यूम यहाँ पे आ गए। ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, तो उसको एक टैब दे देते हैं, देता हूँ डुप्लीकेट वेब सर्वर। ठीक है, तो मैं पहचान पाऊँ कि भाई कौन सा सर्वर यूज कर रहा हूँ। फिर इसके में अंदर मुझे चाहिए पोर्ट, तो वहां पे ये वाला पोर्ट ग्रुप यूज हुआ था सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं सेम ग्रुप को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे रिक्वायर्ड पोर्ट मिल जाए, तो यहाँ पे 80 और 22 पोर्ट दोनों ओपन है। प्रीव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च की पेयर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ये वाला, तो मैं लॉन्च कर दूँ। सर्वर रेडी हो गया, देखो कितना क्विकली रेडी हो गया, पहले इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो अब तो ये चीज आपको क्लियर है काफी, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन सब चीजों में पहले बहुत टाइम लगता था। अब मेरा दूसरा सर्वर रेडी होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका आईपी चेक कर लेते हैं। ये अभी नहीं चल रही है वेबसाइट, अभी ठीक है।
तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई, सर्वर को रेडी होने देते हैं और इनिशियलाइजिंग में आएंगे। ये जो सर्वर बना है 2B में बना है, 2B डेटा सेंटर में बना है, ठीक है। और इंस्टांस स्टेटस क्लियर हो गया है, और जो रिलेटेड ऑप्शंस है ना आपको यहाँ मिल जाते हैं एक्शन में, जैसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। इंस्टांस सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक आपको टर्मिनेशन प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है, शटडाउन बिहेवियर मिल जाता है, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम आगे देखेंगे, और आपको मिल जाता है सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आपको कभी चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, सिक्योरिटी में जाओगे और चेंज सिक्योरिटी ग्रुप करोगे तो जो भी आपको सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना है वो आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप। अब कुछ रिमूव करना, जैसे अभी ये लगा है ये रिमूव करके दूसरा कोई ऐड करना है तो कर सकते हो। जो प्राइमरी ऑप्शंस होते हैं इसके यही है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी हो गया, इमेजेस एंड टेम्पलेट में इमेज कैसे क्रिएट करोगे पता लग गया, और टेम्पलेट देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कभी स्टक हो गए तो आप ये ट्रबल शूटिंग स्टेप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो क्लाउड वॉच अलार्म है, जब हम क्लाउड वॉच सर्विस देखेंगे, डिटेल मॉनिटरिंग मैंने बताया आपको एवरी 1 मिनट पे मॉनिटर होता है, ठीक है। सिस्टम लॉग चेक करना है तो वो आपको एक व्यू मिल जाता है, ठीक है, कि क्या है, तो सिस्टम लॉग्स आपको मिल जाती है यहाँ से सर्वर के। अगर मुझे लॉग चेक करनी हो तो जो भी उसका स्टेटस चल रहा होगा वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो एक्शन में और गेट इंस्टांस स्क्रीनशॉट करोगे तो जो करंट स्टेटस है वो दिखा देगा। तो देखो अभी क्या है, अभी सर्वर परफेक्ट कंडीशन में है, मतलब लॉगिन कंडीशन में है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो एक क्लैरिटी हो गई कि हाँ हमारा सिस्टम सही चल रहा है। अगर कुछ इश्यू होता, मान लो कभी स्टक कर रहा है कहीं पे, तो वो दिखा देता कि ये लॉगिन स्क्रीन पर नहीं पहुंच पा रहा, तो आपको क्लैरिटी आ जाती। प्रशांत, डू वी नीड टू इनेबल लॉगिंग ऑन द एंट्री? डू वी नीड टू इनेबल लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर एनी सर्वर? नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है जी। सर्वर रेडी हो गया है तो इसको कॉपी करोगे और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो डुप्लीकेट सर्वर आपका रेडी हो गया, डुप्लीकेट सर्वर आपका रेडी हो गया, ठीक है। अभी मैंने कोई भी स्टेप नहीं किया इसमें से, राइट, तो ये सारे स्टेप्स की मेरी जो एफर्ट्स थे वो सारे बच गए, है ना। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फाइल भी बनाई थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, है ना, उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल होके आ गया है और मेरा एक डुप्लीकेट सर्वर रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो काफी सारा एफर्ट्स बच जाएगा, ठीक है। तो AMI आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, और AMI का कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब काफी यूज होता है AMI आपको 100%, जब आप किसी भी कंपनी में काम करोगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो AMI पे आज ही जो असाइनमेंट है ये असाइनमेंट कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी तक के जितने भी कंसेप्ट आपने किए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें क्या है, इसमें ये तो हमने लिनक्स सर्वर पे होस्ट किया है, विंडोज पे भी मतलब एक बार हम करेंगे या करके देखेंगे? विंडोज के लिए आप क्या करोगे, आपको IIS सर्वर चाहिए होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल रेगुलर यूज होता है वो होता है, और ऐसी जितनी भी सिचुएशंस आएंगी वहां पे आपको गूगल क्लाउड ऐप लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, आप इजी रहता है, इसमें क्या करोगे, इंस्टॉल
website on Windows server using वहां पे जो चलता है normally IIS server चलता है, ठीक है। तो आपको सारा steps one by one सारा clear हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा steps रहता है, उसको करने की मतलब वो जस्ट एक repetition हो जाएगा, और विंडोज हमारा नॉर्मली यूज होता नहीं, तो काफी ज्यादा टाइम आगे इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने से करके देखो, उसका आपको मैं सजेशन बता देता हूँ। आपको कहीं भी दिक्कत आएगा तो आपको क्या करना है, अब एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये आपको वहां पे एक आईएएस की जो सर्विस होती है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है, और उसके बाद सेम जैसे एक पेज आपने यहाँ पे बनाया वैसे ही एक पेज आप वहां पे बना के उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप करके देख लो, अगर कहीं स्टक होते हो तो मुझे बताना, आई विल हेल्प। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसी जो चीजें हैं जो आपको एडिशनल चीजें लगती हैं, और अगर आप कभी करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करो। आप कहीं स्टक हो गए तो आप बता सकते हो, नहीं तो जब हम क्लास एंड पे होंगे ना तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता होगा कि नहीं ये कर लेना चाहिए तो वो कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद आप देखो AMI और डुप्लीकेट सर्वर हमें क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आपको वेबसाइट होस्टिंग भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में ना हमने काफी चीजें की है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे के भी कंसेप्ट में आपका बहुत यूज होगा, ठीक है। तो AMI तो बहुत ही यूज होता है। अब उसके बाद देखो एक चीज होती है यहाँ पे EC2 पैसिंग मॉडल, ये भी काफी अच्छी चीज है। इसमें क्या है, EC2 प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, तो ये आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन है कि EC2 प्राइसिंग मॉडल क्या है। EC2 प्राइसिंग मॉडल में आपके पास मतलब प्राइसिंग किस तरीके से काउंट होगी, ठीक है। उसके लिए सर्वर हमेशा लॉन्च करने का तरीका एक ही है, ठीक है। तो अभी जो हमने सर्वर यूज किया है वो कौन सा सर्वर है, ये है। थ्री टाइप्स की आपके प्राइसिंग मॉडल है, ऑन डिमांड, रिजर्व, ऑन डिमांड इंस्टांसेस एंड स्पॉट इंस्टांसेस। ये थ्री टाइप्स के आपके पास इंस्टांसेस आती हैं, और अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन डिमांड इंस्टांस। ऑन डिमांड क्या है कि आपने अभी लॉन्च किया, आपको जरूरत थी सर्वर की, आपने लॉन्च किया, आपको जरूरत नहीं है तो मैंने टर्मिनेट कर दिया। मान लो आई डोंट नीड दिस सर्वर, आई विल गो एंड टर्मिनेट दिस सर्वर, राइट, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, नो कमिटमेंट है, नो कमिटमेंट, पे पर यूज है, राइट। आपने जितना यूज किया उतना पे किया और आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, यू आर नॉट श्योर कि आपको जरूरत होगी या नहीं होगी, राइट। तो AWS के पास जब ये श्योरिटी नहीं है कि सर्वर कितने टाइम यूज होगा, तो उनका तो रिसोर्सेज का चार्ज लग रहा है, राइट। तो वो क्या करेंगे, इसकी जो कॉस्ट है वो हाईएस्ट करेंगे, तो इसकी हाईएस्ट कॉस्ट होती है ऑन डिमांड इंस्टेंस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है तो ये हाईएस्ट कॉस्ट है। दूसरा है आपके पास रिजर्व इंस्टेंस, व्हेन यू नो कि भाई आपका, तो ये किस केस में यूज केस क्या है इसका, इसका यूज केस है व्हेन यू आर नॉट श्योर, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द, और व्हेन यू नीड, व्हेन यू नीड सर्वर फॉर फ्यू डेज ओनली, राइट। जब आपको आपकी श्योरिटी नहीं है कि मुझे कितने दिन के लिए चाहिए, या आप अभी टेस्ट केस कर रहे हो, या आपका प्रोजेक्ट जो है वो कुछ ही दिन का है, राइट, तो आप इस ऑन डिमांड इंस्टेंसेस को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको हाईएस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, राइट। तो यहाँ पे हम इस केस में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर श्योर कि भाई आपने कोई वेबसाइट होस्ट करी, आपने वेबसाइट लॉन्च करी bhupendra.com, राइट, या abc.com, ठीक है, shirino.com, ठीक है। तो अगर ये आप वेबसाइट कोई लॉन्च कर रहे हो तो यू नो कि भाई वेबसाइट तो मेरी, मुझे होल द ईयर चाहिए, राइट। अब जब मुझे होल द ईयर चाहिए तो मैं श्योर हूं, राइट, तो यू कैन गो फॉर रिजर्व इंस्टेंस, क्योंकि यहां पे कमिटमेंट है, देयर इज ए कमिटमेंट, कमिटमेंट इज फॉर
time period, and you will use at least 3 months to multiple years. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपने कमिटमेंट दिया कि आप इतने टाइम के लिए इसको यूज करोगे. तो व्हेन दे आर श्योर कि भाई आप मेरा जो सर्वर है इतने टाइम के लिए तो यूज होगा ही होगा, तो दे गिव यू डिस्काउंट, गिव 50 to 75% डिस्काउंट ऑन रिजर्व इंस्टांसेस. ठीक है, तो आपको रिजर्व इंस्टांसेस में क्या मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है. क्यों? बिकॉज यू आर कमिटेड. प्रशांत, इस केस में क्या मतलब हमारे पास कुछ कंटिन्यूस में आइदर वी टू द सर्वर लाइक इन स्टॉप स्टेट और रनिंग स्टेट दे विल चार्ज और नॉट? हाँ, अगर आपका सर्वर रनिंग है तो चार्ज है, अगर आपका सर्वर स्टॉप है तो आपका स्टोरेज का चार्ज, जो आप स्टोरेज यूज कर रहे हो उसका चार्ज. और टेम्पलेट से भी चार्ज सकते हैं? नहीं, टेम्पलेट का कोई चार्ज नहीं है. लेकिन अगर AMI यूज कर रहे हो तो आप टेम्पलेट AMI को कह रहे हो? हाँ, जो टेम्पलेट या इमेज जो हम बना रहे हैं, जो इमेज हमने बनाया है ना, तो AMI में आपका स्टोरेज यूज हो रहा है. तो सपोज करो आपका 100 GB का या 1 TB का आपका AMI है, तो वो 1 TB का जो स्टोरेज का प्राइस है वो आपका चार्ज, वो चार्ज सब, बट स्टोरेज आपको पे करना. ठीक है, ऑन डिमांड हो गया, रिजर्व हो गई, यूज केस समझ में आया, यूज केस हो गया जैसे वेबसाइट और वेयर यू नीड सर्वर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. होता है आपका स्पॉट इंस्टांसेस. स्पॉट इंस्टांसेस जैसे नाम से विजिबल है, स्पॉट इंस्टांसेस मतलब आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, यू नीड इट फॉर सम टाइम, यू कैन यूज स्पॉट इंस्टांसेस. स्पॉट इंस्टांसेस इज चीपेस्ट वन. स्पॉट इंस्टांसेस इज चीपेस्ट वन. चीपेस्ट वन available for shorter period as AWS provided from their unused capacity. Okay, unused capacity. तो AWS के data centers में कई बार unused capacity रहती है, right? Every servers हमेशा तो occupy रहता नहीं है, तो जो उनके available servers हैं उनको वो क्या करते हैं, they used to give it on discount, right? So they used to give it on discount, but जब उनको जरूरत पड़ती है तो they take it back, right? They take it back. तो उसमें क्या होता है कि आपका जो pricing का discount आपको मिल जाता है, but surety नहीं होती है, क्योंकि अगर उनको जरूरत पड़ा तो they will pull back the server, right? When they need. तो आपको एक notification के साथ में कर देंगे. But इसमें क्या है कि अगर आपने आप डेटा कुछ रखते हो तो मतलब इशू आ जाता है कई बार, अगर आपने सर्वर बनाया, आपने डेटा सर्वर पे रखा है, राइट, एंड दे पुल इट बैक, तो हुआ क्या, आपका डेटा लॉस हो गया. तो इसका यूज केस क्या है, यूज केस इज फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर डेटा एनालिसिस, राइट. तो इसमें क्या करते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्काउंट अप टू 70-80%, राइट. So, because we are getting big discount, companies use it for data analysis, right? They run some data analysis tool, they use the higher capacity machine, they get it on big discount, they use the data analysis, और वो data को export करके किसी और other storage में store कर देते हैं, like S3 आप use कर सकते हैं यहाँ पे वो, या कुछ और solution provide करके वो उसकी जो CPU power है, जो processing power है, उसको utilize कर लेते हैं. तो जहां पे बिग डेटा एनालिटिक्स टूल चलते हैं वहां पे स्पॉट इंस्टेंसेस एक अच्छा यूज केस बन जाता है. ठीक है, तो ये 3 प्राइसिंग मॉडल्स हैं विच आर अवेलेबल.
एंड विच यू कैन यूज। एक बार देख लेते हैं ऑन डिमांड तो आपको क्लियर है ऑन डिमांड कैसे यूज करते हो। देन रिजर्व इंस्टांसेस इफ यू नीड टू परचेस, तो रिजर्व इंस्टांसेस के लिए भी कुछ अलग नहीं करना। सपोज करो आपने एक सर्वर लॉन्च किया t2.micro, नाउ इट इज गोइंग ऑन, तो यू कैन बाय ए रिजर्व इंस्टांस, यू कैन बाय ए रिजर्व इंस्टांस। सो यू नीड टू गो टू रिजर्व इंस्टांसेस ऑन द लेफ्ट साइड, परचेज रिजर्व इंस्टांस। तो जो सर्वर आपने चूज किया, तो मेरा कौन सा था, रेड हैट था, तो मैंने रेड हैट चूज किया। टेनेंसी, टेनेंसी एक डिफॉल्ट है जो शेयर्ड है और डेडिकेटेड है ना, शेयर्ड और डेडिकेटेड हमने समझा था कि क्या डिफरेंस है। तो जो भी टेनेंसी डिफॉल्ट शेयर्ड होगी, मैंने डिफॉल्ट टेनेंसी ली। कन्वर्टिबल और स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड क्या है, जो आपका आपने जो भी प्राइसिंग लिया जैसे t2.micro लिया, तो आपको t2.micro ही यूज करना है। बट अगर आप कन्वर्टिबल लेते हो तो यू कैन कन्वर्ट योर क्लास, है ना, t2 से अगर आप सपोज करो कल को m4 में जाना चाहते हो तो इट इज पॉसिबल, यू कैन कन्वर्ट योर रिजर्व इंस्टांस। सो कन्वर्टिबल थोड़ा सा ऑन द हायर प्राइस अवेलेबल होती है। देन यहां से यू कैन चूज द सर्वर, तो मैंने जो सर्वर चूज किया था वो t2.micro था, मैंने t2.micro लूंगा। देन टर्म, 1 year टू 12 months का कमिटमेंट है या 12 months टू 36 months का कमिटमेंट है, मैंने बोला 1 month से 12 months का। पेमेंट ऑप्शन, नो अप फ्रंट, मतलब कुछ भी एडवांस नहीं दे रहे हो बट जस्ट कमिटमेंट है। पार्शियल अप फ्रंट, कुछ एडवांस दे रहे हो और बाकी मंथली पे करोगे। ऑल अप फ्रंट, सारी अमाउंट एक साथ दे रहे हो, राइट। तो मैं ऑल अप फ्रंट पे गया, सर्च किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक रेड हैट सर्वर अवेलेबल है, ठीक है, वो कन्वर्टेबल है। ऑल अप फ्रंट पेमेंट पे करनी है और 1 year के लिए मुझे $593 पे करना, तो जो इसका इफेक्टिव रेट आ रहा है 0.068 पर मंथ का आ रहा है, पर आर का आ रहा है, ठीक है। तो मैं जो कॉस्ट पे करूंगा ये $593 होगा पर ईयर का, ये कॉस्ट मुझे पड़ेगा एक रेड हैट सर्वर, ठीक है। अगर मैं इसको एड टू कार्ट करता हूं तो आई कैन गो सिंपली, मैंने एड टू कार्ट किया तो ये क्या होगा, मेरे जो आपने कार्ड अटैच किया था इसके साथ उस पे बिल में अटैच हो जाएगा और बिल से पेमेंट आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट मंथली बिल आएगा उसके अंदर एड हो जाएगा इनवॉइस में और फिर उसके बाद आप उसको पे कर सकते। तो ये रिजर्व इंस्टांस जैसे ही मैं बाय करूंगा तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आज बाय किया तो ये क्या होगा, जो मेरी इंस्टांस चल रही थी ना, ये फर्स्ट लाइनक्स सर्वर, ये t2.micro चल रहा है, ऑटोमेटिकली ये प्राइसिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, तो अभी तक ये जो ऑन डिमांड के हिसाब से कॉस्टिंग आ रही थी, ये रिजर्व इंस्टांस के अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगा द मोमेंट जैसे मैं इसको बाय करके पेमेंट कर। क्लियर है? सिमिलर वे में अगर मैंने सपोज करो m4.large को बाय किया, तो m4.large सर्वर को मैं यहाँ पे अगर मेरा ऑलरेडी रनिंग होगा तो मेरा प्राइसिंग डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। अगर वो रनिंग नहीं होगा तब भी मेरी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि द मोमेंट आई बाय तो मेरी प्राइसिंग स्टार्ट होगी, चाहे आपका सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। और सर्वर की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब अगर रेड हैट है तो रेड हैट ही मुझे बाय करना है, रिजर्व में ही कंडीशन है कि वो मेरा सर्वर सेम कैटेगरी का होना चाहिए। अगर मैंने रेड हैट लिया है तो ओएस भी मेरा रेड हैट होना चाहिए, और जो सर्वर है अगर सपोज करो m4.large लिया है तो मुझे m4.large ही यहाँ पे लॉन्च करना है। अगर मैंने m4.large नहीं किया, m3 कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो मुझे m3 का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, नहीं, मुझे फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो रिजर्व इंस्टांस में भी प्राइसिंग पे करूंगा और यहाँ भी पे हो जाएगी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वर आपका रनिंग में है वो सेम कंडीशन का होना चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रिजर्व इंस्टांस के लिए अगर आप यूज करोगे। उसके बाद आता है आपका, हाँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट किससे कंपेयर कर रहे हो आप? आई थिंक आई मिस्ड इट, मतलब आपने जो सर्वर परचेज किया, यहाँ पे मैंने बाय किया ना, मैंने मान लो यहाँ पे M4 बाय किया,
M4 बाई किया, M4 है ना, आप M4 डॉट लार्ज करके मैंने बाई कर दिया, इसकी जो कॉस्टिंग आ रही थी सपोज करो मैंने इसको पे कर दिया, ठीक है, इसकी कॉस्टिंग आ रही थी, ऑल अप फ्रंट ले लेते हैं, आपने ये $582 दे के इसको बाई कर लिया, ठीक है, M4 डॉट लार्ज को मैंने अगर ये बाई कर लिया तो मेरी जो पेमेंट है ये आपसे स्टार्ट हो गई। तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ऑन डिमांड में सर्वर लॉन्च करोगे, मतलब वहां इंस्टांस पे जब लॉन्च करोगे सर्वर, ऑलरेडी आपका रनिंग सर्वर है वो लिनक्स फ्लेवर का होना चाहिए और M4 डॉट लार्ज होना चाहिए, राइट। अभी मेरे पास देखोगे तो मेरे पास T2 डॉट माइक्रो लॉन्च है ना, मैंने बाई तो करी है M4, राइट, तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा कुछ भी, रिजर्व इंस्टांस का ये फायदा है कि आपको 50-60% डिस्काउंट मिलता है, और वो तभी मिलेगा जब आप इसको एक्चुअली में यूज भी कर रहे होंगे, राइट, यूज नहीं कर रहे हो तो फिर तो सिर्फ पेमेंट ही जा रही है। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम फिर अगर मैं स्टार्टिंग से ही मैंने रिजर्व इंस्टेंस लिया हुआ है, राइट, तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं तो कंफिगर कर रहा हूँ ना, मतलब अंडर रिजर्व इंस्टेंस मैंने इंस्टेंस लॉन्च किया है, तो मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ कि सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, किससे सेम होना चाहिए? अभी आप जो सर्वर यूज करोगे, राइट, आपको एक मैंने आपको एक वेबसाइट दे दी, मैंने आपको एक काम दे दिया, ठीक है, मैंने आपको बोला मुझे M4 डॉट लार्ज सर्वर है, ठीक है, आई थिंक कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा सपोज कर लो, ठीक है, 8 CPU होते हैं, मैंने आपको 8 CPU 32 GB रैम का मुझे एक सर्वर दे दो, ठीक है, मेरी कोई एप्लीकेशन चला दो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी आप गए इंस्टांसेस में गए, ठीक, आपने सर्वर लॉन्च किया, आपने सर्वर चूज किया M4 डॉट लार्ज, ठीक है, आपने सर्वर चूज किया यहाँ पे M4 डॉट लार्ज। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने लॉन्च कर दिया सर्वर को, ठीक है, आपकी प्राइसिंग कौन सी लगेगी, भी ऑन डिमांड लगेगी या रिजर्व लगेगी? प्राइसिंग मॉडल जो आपका अप्लाई होगा वो ऑन डिमांड होगा या रिजर्व लगेगा? ये क्वेश्चन सभी के लिए, मतलब आप ही के लिए, ऑन डिमांड ही लगा, क्योंकि ऑन डिमांड भी चल रहा है ना, एक्चुअली ऑन डिमांड ही चल रहा है ना, तो आपने जब सर्वर लॉन्च किया तो वो ऑन डिमांड लग गया, राइट। अब आपने कहा यार मैं जो है इसको, जब मुझे रिजर्व में, मेरी वेबसाइट चल रही है, एक एप्लीकेशन चलनी है जो होल द ईयर चलेगी, तो आपने दिमाग लगाया कि यार सपोज करो कि मतलब उसकी कॉस्टिंग थी ऑन डिमांड की 100 रुपीज, ठीक है, और अगर आप रिजर्व इंस्टांस लोगे तो वो आपको पड़ी है 50 रुपीज में, तो आपने कहा यार मैं 50 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो उसके लिए कंडीशन है कि भाई आपको ऑल अप फ्रंट देना है या कुछ पार्शल अप फ्रंट देना है, ठीक है, तो आपने कहा मैं रिजर्व इंस्टांस पे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे तो 1 ईयर के लिए यूज करना है, राइट। तो अब आपने बोला कि मैं तो रिजर्व इंस्टांस यूज करूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके सर्वर चल रहा है, यहाँ पे जो सर्वर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी तो दिख नहीं रहा ना क्योंकि मैंने तो लॉन्च नहीं किया हुआ, बट आपने जो अपनी सर्विस चलाई थी वो मान लो M4 डॉट लार्ज पे चलाई, ठीक है, अब आपको रिजर्व का बेनिफिट लेना है क्योंकि प्राइसिंग तो ऑन डिमांड की लग रही है, तो कैसे लोगे रिजर्व का बेनिफिट? नहीं मैं ठीक है, आई वो तो मैं समझ गया कि अगर ऑलरेडी इंस्टेंस चल रहा है एंड देन उसको कन्वर्ट करना है रिजर्व इंस्टेंस में टू गेट द डिस्काउंटिंग, देन कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सेम, राइट। और अगर हम कोई इंस्टेंस चल नहीं रहा है ऑन डिमांड पे और डायरेक्टली रिजर्व इंस्टेंस में ही मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ या लॉन्च कर रहा हूँ, देन तो फिर कॉन्फ़िगरेशन का कोई मैच करने का मतलब नहीं ना, मेरा कहने का मतलब ये है किससे मैच करूँ? फिर तो आप AWS को डोनेशन दे दो, फिर तो आप AWS दे रहे हो ना, क्योंकि आप यूज तो कर ही नहीं रहे बट आप जस्ट पे कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट तो आपकी स्टार्ट हो गई रिजर्व इंस्टांस बाय करने पे, राइट, फिर एक्चुअली यू आर नॉट यूजिंग, यू आर डोनेटिंग मनी। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से ही रिजर्व पे नहीं जाना है, यू आर सेइंग, राइट, पहले ऑन डिमांड। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिजर्व इंस्टांस बाय करते हो तो आपके पेमेंट शुरू हो जाती है, मैंने आज आपने रिजर्व इंस्टांस बाय किया ना, तो आपकी चाहे सर्वर रन हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी कॉस्टिंग चालू हो जाएगी, राइट।
आपकी आज से स्टार्ट हो गया मीटर कि भाई आपने आज स्टार्ट किया था, नेक्स्ट ईयर आपका रिन्यू हो जाएगा। अभी कंपेयर तो मतलब हो गई नहीं ना, क्योंकि है ही नहीं कोई इंस्टांस आपकी। लेकिन जब आप फिर लॉन्च करोगे इंस्टांस, जब भी आप लॉन्च करो इंस्टांस को, सपोज करो आपने रिजर्व करके आज बाय कर लिया, आफ्टर 10 डेज आपने सर्वर लॉन्च करना है। तो जब आप लॉन्च करोगे तो उस टाइम पर m4.large ही लॉन्च करना, तब भी m4.large ही लॉन्च करना, जो भी मतलब बाई किया, जो भी बाई किया। अगर प्लान है एक्टिविटीज प्लान ना, कि अगर मेरे को रिजर्व भी लेना है, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है, कमिटमेंट है मेरा, तो भी क्या हम स्टार्ट, तो क्या हम स्टार्ट नहीं कर सकते रिजर्व से ही? दोबारा बोलो एक बार। अगर कमिटमेंट है, मतलब कि सबकी वेबसाइट है, और वेबसाइट है कि मुझे वेबसाइट तो रनिंग रहेगी हमेशा, तो मैं बिल्कुल आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपका तो इसमें आप बिल्कुल आ सकते हो। आप रिजर्व इंस्टेंस बाय करके रख लो, राइट, आप बाय करके रख लो, आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी आप सर्वर लॉन्च करोगे ना दैट टाइम, क्योंकि अब आपने एक्टिविटी प्लान कर ली भाई मुझे तो ये सर्वर चाहिए, राइट। तो जब आप सर्वर लॉन्च करोगे, जब एक्चुअली में आप अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रिजर्व में आपने कॉन्फ़िगरेशन चूज किया था ना, वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लेना, वही आपको डिस्काउंट मिलेगा। सर्वर को लॉन्च करोगे ना, तो जब सर्वर लॉन्च करोगे तब आप ध्यान रखना कि वही सर्वर लॉन्च करो जो आपने रिजर्व में बाई किया, प्राइस वजह दोनों चीजें सेम रहेंगी। नॉर्मली प्रैक्टिकल सिनेरियोज में क्या होता है प्रशांत, की पहले हम ऑन डिमांड पे करते हैं, बिकॉज हमें हम मतलब प्रोडक्शन में जाने से पहले, राइट, मतलब प्री प्रोडक्शन स्टेज जो है उसमें हम ऑन डिमांड कर सकते हैं, देन शिफ्ट टू रिजर्व कैटेगरी व्हेन वी आर रेडी बिल्कुल फॉर बिल्कुल प्रोडक्शन। बिल्कुल डन है, वो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें इश्यू है नहीं। हाँ ऐसे ही होता है लोकल गवर्नमेंट। हाँ ऐसे होता है, नॉर्मली यही रहता है। या तो आप पहले प्लान कर लेते हो और फिर आप डिसाइड कर लेते हो, और या फिर जब आप ऑन डिमांड चला रहे हो तो ओवर द टाइम जैसे आपको पता लगा तो भी आप रिजर्व में जाते हो, दोनों ही कंडीशन होता है। ठीक है, चलो 43 हो गए आई थिंक। हाँ भूपिंदर बोलिए। मेरी कोई वेबसाइट चल रही है और वो अभी मैं 10 सर्वर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन द स्पॉट मेरे को पता लगता है कि मेरे पास लोड ज्यादा आने वाला है, एंड आई नीड एटलीस्ट 7 to 8 मशीन ऑन हायर टीयर, तो उसमें कुछ लिमिटेशन, जैसे अगर मैंने रिजर्व किया हुआ है तो कि मैं उसको हायर टीयर पे डाल सकता हूँ, या कितनी मशीन डाल सकता हूँ, कितनी परसेंट मशीन डाल सकता हूँ? सब 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 अभी आपका लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग करोगे एक दो में आ जाएगा आपका नेक्स्ट। तो उसमें आप ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग देखेंगे तो वहां पे हम ये सब डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नया लोड आएगा तो कितना बनेगा, कितनी आपको रिजर्व रखनी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सारा कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है। ठीक है, तो कल देखेंगे स्पॉट इंस्टेंसेस देखेंगे और बाकी सारे पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, आज आई थिंक हमने रिजर्व और ऑन डिमांड ले लिया, कल स्पॉट से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो भी कवर। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे तो एक बार रीकैप कर सकते हैं कोई 5 मिनट्स या 10 मिनट्स बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज रैप अप के लिए अभी ये मैं पॉइंट तो अभी आज के कवर कर सकते हैं, आई थिंक आज ज्यादा बेटर है। तो अगर 2 मिनट दो तो मैं इसको रैप अप कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज जो हमने किया है देखो, वेबसाइट करना है, राइट, EC2 इंस्टेंसेस टाइप, तो आज हमने बेसिक लिनक्स कमांड डिस्कस किया, राइट, जो हमें एक वेबसाइट होस्टिंग के लिए चाहिए। हमने यम अपडेट किया सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, ठीक है, यम इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक? उसके बाद आपने सिस्टम CTL कमांड को यूज करते हो स्टेटस चेक करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर की सर्विस का क्या स्टेटस है। तो अगर स्टेटस चेक करना है तो सिस्टम CTL, और फिर आपने स्टेटस और स्टेट जो सॉफ्टवेयर नेम है उसको आप यूज करोगे।
इनेबल कमांड को यूज करोगे कि अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट भी होता है तब भी वो सर्विस चलती रहे ऑटोमेटिकली उसके लिए। फिर एक फाइल बनाई जिस पे आपने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एक हमें वेब सर्वर चाहिए था, वेब सर्वर पे हमने एक टेस्ट फाइल बनाया, ठीक है। टेस्ट फाइल में अपना कंटेंट ऐड किया और हमने अपने वेबसाइट को रन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी कमांड थी, सिर्फ आपको सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करनी है, आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी। देन एएमआई का कंसेप्ट यूज किया हमने, ठीक है। एएमआई का कंसेप्ट किस लिए है कि अगर आपने जो भी आपने फीचर्स यूज किए हैं, जो भी इंस्टॉलेशन किया है, जो भी एक सर्वर पे काम किया है, अगर आपको डुप्लीकेट सर्वर चाहिए, कभी भी आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको डुप्लीकेट सर्वर चाहिए, तो एएमआई का कंसेप्ट यूज करोगे। और एएमआई का कंसेप्ट यूज करने के लिए आपको सर्वर में जाके इमेजेस में जाना और वहां पे क्रिएट इमेज करके आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एएमआई क्रिएट कर सकते, तो डुप्लीकेट एएमआई आप रेडी कर सकते हो। किसी दूसरे रीजन में कॉपी करना है सर्वर को, उसके लिए भी एएमआई का कंसेप्ट यूज करोगे और कॉपी एएमआई का फीचर यूज करोगे, ठीक है। असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कंप्लीट करोगे। देन प्राइसिंग मॉडल की बात किया, तो ऑन डिमांड इंस्टांसेज है, रिजर्व इंस्टांसेज है एंड स्पॉट इंस्टांसेज है। स्पॉट इंस्टांसेज कल डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो तीनों प्रैक्टिकल कल देखेंगे, बट ऑन डिमांड इंस्टांस है जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं है, नो कमिटमेंट, हाईएस्ट कॉस्ट होती है इसकी। और पैटर्न अगर देखोगे तो अगर आपको कुछ फ्यू डेज के लिए चाहिए तो यू विल नॉट प्रेफर रिजर्व इंस्टांस, अगर आपको कुछ डेज के लिए चाहिए, राइट। बट जहां पे रिजर्वेशन पीरियड कंफर्म है, राइट, कि एटलीस्ट 1 मंथ to 12 मंथ्स का आपका एक रिजर्वेशन पीरियड है, तो जहां पे आपका कमिटमेंट है एंड यू नो कि यू विल यूज सर्वर फॉर लॉन्ग टाइम, यू कैन यूज रिजर्व इंस्टांस, यू कैन यूज ऑन डिमांड एज वेल, बट ऑन डिमांड में आप ज्यादा पे करोगे, तो व्हाई यू नीड टू पे इफ यू कैन यूज रिजर्व इंस्टांस, यू विल गेट 50 to 75% डिस्काउंट, ठीक है। यूज केस देखोगे तो वेयर यू नो कि भाई आपका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये सर्वर रन होने वाला है, तो यू विल यूज रिजर्व इंस्टांस। स्पॉट इंस्टांस चीपेस्ट वन है, बट इट इज यूज फॉर शॉर्टर पीरियड, राइट, मे बी 1 day, 2 day, 6 hours, इस तरीके से आपका लिमिटेशन है, एंड इट वर्क ऑन बिडिंग प्राइस, तो इसके बारे में कल डिटेल से देखें, ठीक है। तो यही चीजें थी आज, कुछ ज्यादा तो उसमें नहीं हुआ, बस बेसिक लाइनक्स कमांड और हमने सर्वर्स पे वेबसाइट कैसे होस्ट किया है और प्राइसिंग मॉडल, ये तीन चीजें हमने कवर की, ठीक है। आज प्रैक्टिस करो और कुछ क्वेश्चंस आए तो कल क्वेश्चंस शूट करो अपने, ठीक है। तो रैप अप करते हैं आज के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।